गाड़ी और इसकी चेकिंग तोड़ करके भागी। पीछा करने पर गाड़ी से जो लोग बैठे थे उनके द्वारा पुलिस पर फायरिंग किया गया, चार लोग अरेस्ट किया गया जिसमें एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी। इसके बारे में पता लगा है कि बड़ा अपराधी है, पुराना अपराधी है, उसके ऊपर लूट के चोरी के कई मुकदमे हैं। बिलासपुर थाना क्षेत्र में पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी, अपराधियों के लिए कि एक गाड़ी पुलिस की चेकिंग तोड़ करके भागी। पीछा करने पर गाड़ी से जो लोग बैठे थे उनके द्वारा पुलिस पर फायरिंग किया गया। जंगलों की तरफ जाते से हुए कि गाड़ी फंस गई, पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ फायरिंग की गई और उनमें से चार लोग अरेस्ट किया गया जिसमें एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी। इसके बारे में पता लगा है कि बड़ा अपराधी है, पुराना अपराधी है, उसके ऊपर लूट के चोरी के कई मुकदमे हैं और संभवतः कोई अपराधी घटना कारित करने के लिए आया था। एक अपराधी अभी फरार है जिसकी तलाश की जा रही है। ये जो इसके पैर में गोली लगी है ये अस्पताल में भर्ती है, बिलासपुर का रहने वाला है और अभी हालत सामान्य है, बाकी जानकारी की जा रही है। सर, संगीन अपराधी बताया जा रहा है कुछ बड़ी घटना को अंजाम देने, अभी ये क्या है तो स्पष्ट नहीं है, या तो जैसा लुटेरा है कुछ इस आशय से आया होगा, कुछ ऐसा भी पता लग रहा है कि शायद कोई पुराना विवाद है जिसके लिए और लोगों को लेकर के आया था, सारी बातें विवेचना में आ जाएगी। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।